गाइस, मैं सल्फ्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है 8 मंथ्स का। तो आज मुझे डॉक्टर विजिट पे जाना था, क्या रिपोर्ट कैसा आया है एंड ऑल दिखाना था। आज मेरा वैक्सीन भी था, तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर है सब कुछ कैसा है, रिपोर्ट क्या है एंड ऑल। तो चलो वीडियो में चलते हैं। तो सुबह की एक कड़कदार चाय के साथ मैंने अपना दिन शुरू किया और साथ में मैं आजकल लेती हूँ आमंड्स, जो मैं ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ। और आज ना मुझे ब्राउन ब्रेड खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने उसको बोला था ये लच्छा बांध लाके देने के लिए शाकिब को, तो वो घर में दे के निकल गया था काम पे। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, हल्दीराम का है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। और चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और जो लोग खाए हो मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगता है। तो खाली पेट तो सबसे पहले मैं आमंड्स खाती हूँ, और उसके बाद खूब सारा पानी पीने के बाद ही मैं चाय पीने लगती हूँ ब्रेड के साथ। और आज सुबह से पता नहीं मुझे फिर से इचिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। तो आज मुझे डॉक्टर विजिट पे जाना था, तो मैं सोची कि एक बार इसके बारे में और अच्छे से पूछ लूँगी। जो लीवर का मेडिसिन अभी भी मैं ले रही हूँ, क्या मुझे वो लेना है एंड ऑल। एक दिन भी अगर छूट जाए ना वो मेडिसिन, तो मुझे इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और खाना खाने के बाद मुझे मतलब हमारे यहाँ से जो सफाई के लिए चीज़ें लेने आते हैं तो वो भाई आ गए थे, मैंने उसको सारी चीज़ें दे दी। और आज ना मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब चाय पीने के बाद भी फ्रेश बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। एक्चुअली रात में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं सही से सो भी नहीं पाई ढंग से, आप देख सकते हो मेरा आँख का हालत। तो मुझे ना उठ के खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, पर अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या, इसीलिए सोच के मुझे उठ ही जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं मॉल से पनीर लेके आई थी, जो न्यू ब्रांड का था, ये जोई कुछ नाम है, बहुत ही अच्छा क्रीमी है पनीर। ये पनीर मुझे ना डिस्काउंट में मिली थी, पर मैंने 2 पैकेट्स ली थी, एक के साथ एक फ्री थी, तो मुझे लगा और भी लेना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यमी और क्रीमी डिलीशियस एक पनीर है। तो यहाँ पे मैं आज पनीर की सब्ज़ी खाऊंगी सोची थी, क्योंकि मैं ना जब अकेली रहती हूँ मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं सोयाबीन भी शाकिब के लिए नहीं खा पाती, क्योंकि वो सोयाबीन बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो मैं सोच रही हूँ अभी अपने लिए जब अकेली खाना बनाती हूँ तो सोयाबीन भी खा लिया करूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहती है। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने तो आप लोगों के साथ पहले भी रेसिपी शेयर की है मैं कैसे बनाती हूँ एंड ऑल, तो इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में और शेयर नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने ऑनियन फ्राई करके अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो देके अपना खाना बनाती हूँ, लहसुन जो है वो थोड़ा सा कम देती हूँ। और यहाँ पे सारे जो मसाले हैं मैंने उसको पानी में घोल के एक साथ मिला लिया था। आलू दी आज थोड़ा सा ना हल्का सा रिच मैंने बनाया था, देखो ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और ऊपर से ना थोड़ा सा घी दे दिया था, इससे काफ़ी डिलीशियस बना था। आप लोग ज़रूर बनाना ऐसे ग्रेवी ग्रेवी करके, राइस के साथ जो लोग खाते हो अच्छा लगेगा। उसके बाद बेड वगैरह क्लीन किया, और क्या हो रहा है ना मेरा पैर में ना, लास्ट दिन मैं जब जकरिया स्ट्रीट गई थी तो मैं देख रही थी मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था, तो मैं सोची कि आज ना थोड़ा सा पैर को पानी में डिप करके बैठूँ ताकि पैर में थोड़ा सा आराम मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ना 1-1.5 बजे मैं शावर करने जाती हूँ, तो 1 बजे का जो पानी आता है ना वो लगता है कि हम लोग पूरा वाटर बॉयल किए हैं, इतना ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं सोची उस पानी में पैर को डिप करके रखूँ तो काफ़ी आराम मिलेगा। तो ऐसे मैं बैठी थी ना, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था, और मेरा नेल्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और मेरा ना पता नहीं पैर का जो स्किन है बहुत ख़राब है और नेल्स बहुत हार्ड है, मैं अकेले काट भी नहीं पाती हूँ, इतना ज़्यादा हार्ड है। मतलब को देख, मतलब किसी को दिखाने में पैर ना मुझे गंदा लगता है कि मेरा पैर इतना गंदा है, मैं कुछ भी कर लूँ पैर ठीक नहीं होते। और एक ब्लैक कलर का स्पॉट भी है मेरे पैर में, और मैं अभी ना झुक के थोड़ा सा पैर क्लीन नहीं कर पाती हूँ ना, तो पैर काफ़ी ज़्यादा काला पड़ गया था मेरा, और नेल्स कितना लंबा हो गया था। तो मैं ना ट्राई कर रही थी कि अपना नेल्स जो है उसे कट करूं, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा था, और पैर में ना अभी
मेरा जो शू है वो पहनने से भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि नेल भरा हो गया है बोल के। शाकिब बहुत दिन से बोल रहा है मैं काट के दूंगा, वो भी रोज़ा में रहता है तो निकल जाता है बोल के, टाइम नहीं मिलता। मैं कोशिश कर रही थी पर एक ही नेल कट कर पाई और नहीं कर पाई, पेट में लग रहा था मुझे तो मैंने छोड़ दिया। आफ्टर दैट मैंने लंच कम्प्लीट किया और थोड़ा सा रेस्ट करी बस 15 मिनट, क्योंकि मुझे ना आज डॉक्टर के पास 3 बजे बुलाया था डॉक्टर ने। तो शाकिब बोला था कि तुम थोड़ा सा खाना खा के रेडी हो जाना, मैं आके तुमको लेके जाऊंगा। तो ये हो रहा था कि अभी ना इतना लेफ्ट राइट करने में दिक्कतें होती है, मैं क्या बोलूँ, सही से नींद भी नहीं आती, आप लोगों को पता है। और गर्मी भी हमारे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है, बहुत गर्मी थी बाहर यार। मैं बाहर जाके मुझे समझ में आया कि गर्मी किसको बोलते हैं। तो 15 मिनट बस मैं ऐसे लेटी रही, उसके बाद उठ गई क्योंकि डॉक्टर के वहाँ जाने में देरी हो रहा था, तो फटाफट से उठ के मैं रेडी हो गई थी। और रेडी हो के ना मैं सारी अल्ट्रासोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है मेरा जो ब्लड टेस्ट है उन्होंने करने दिया था, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली और रिपोर्ट वगैरह सब सही है कि नहीं देख ली, क्योंकि वहाँ जाके अगर एक भी रिपोर्ट गुम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो क्या है ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हम लोग सारी रिपोर्ट्स अच्छे से खुद से पढ़ते हैं कि यूट्यूब में देख लेते हैं। तो मैंने जितना देखा मेरा प्लासेंटा ऊपर आ गया है, प्लासेंटा का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, मेरा जो बेबी है वो भी सिफेलिक है तो मतलब उसका हेड डाउन है नीचे, तो ये सब मैंने खुद ही देख लिया था। अब बाकी का जो रिपोर्ट है जो उन्होंने मतलब करने दिया था, फेटस का क्या पोजीशन है क्या नहीं है क्या कुछ है, ये तो बस डॉक्टर ही बताने वाली थी। तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मतलब मिडिल में मेरा जो प्रॉब्लम हो गया था लो लाइन प्लासेंटा के कारण, मैंने बहुत दो मतलब कुछ दिन तो मैंने बेड रेस्ट किया था, पर मेरा काम भी साथ में मैं करती गई ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख के, और आप लोगों का जो इतना सपोर्ट प्यार मिला बस इसी से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लासेंटा लो रहने से बहुत ही ज़्यादा बेड रेस्ट करनी पड़ती है, कहीं नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर मैंने तब भी एक मन में ना जोर बना के कि नहीं मुझे तो करनी है, तो सब कुछ चलो मेरा सही गया इतना दिन तक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और मैं ना अपना लंच के बाद का जो टैबलेट है आयरन का वो लेना भूल गई थी, ये मुझे 2 बार लेना पड़ता है, आप लोगों को पता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो मैंने ये टैबलेट लिया। और आज मुझे वैक्सीन भी लेनी थी तो ये वैक्सीन पैक करके ऐसे ही दिया था दुकान से, और उन्होंने बोला था कि इसे फ्रिज में ही रखना, जब जाओगे तब निकाल के लेके जाना और बहुत सावधानी से। तो हम लोग बाहर निकल गए थे और शाकिब रोज़ा किया था, उसका बेचारा पूरा मुँह सूख गया था, इतना ज़्यादा गर्मी था बाहर, ट्रस्ट मी आप लोग मतलब चिंता भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा बाहर गर्मी थी। तो डॉक्टर के वहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए और देखा काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की भीड़ थी, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा और वहाँ पे मेरा वेट चेक हुआ, मेरा बीपी चेक हुई, जो मतलब हर टाइम ही जाने से होता है, उन्होंने बोला था 2 वीक्स बाद ही जाना अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाने से। तो इस बार मैंने देखा मेरा वेट जो है 65 हो गया है, लास्ट टाइम 64 था तो 1 kg बढ़ गया है, और ये रहा मेरा ब्लड प्रेशर जो हमेशा लो रहता है। और डॉक्टर ने बोला सारे रिपोर्ट्स जो है वो सही है ऑलमोस्ट, पर बेबी का अभी आने में टाइम है, तुम उतना टेंशन ना करो, अगर तुमको नॉर्मल में बेबी चाहिए तो तुम वॉकिंग करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा बेबी थोड़ा सा ऊपर के दिख में है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तुम एक काम करना नमक बिल्कुल भी मत एकदम मत लेना। तो मैं राइस के साथ तो नमक लेती हूँ, ये मेरा आदत है, तो वो मुझे छोड़ना होगा। तो यही रिपोर्ट, वैसे भी बेबी का हेड डाउन है और सब कुछ सही है, बस ऊपर वाला करे कि सही सब हो जाए, मैं टेंशन बहुत कर रही थी। और प्लासेंटा भी ऊपर आ गया है, और उसके बाद ना मैं घर आके यहाँ पे शाकिब के लिए सैंडविच रेडी कर रही थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, वो कुछ नहीं खाया था। शाकिब बोला आज मैं कुछ नहीं खाऊँगा, बस सैंडविच खाऊँगा और उसके साथ बस आज मुझे पानी खूब सारा पीना है, रसना पीना है। उसका ना पूरा सर मतलब चक्कर आ रहा था उसको, उसका पूरा लिप सूख गया था बिल्कुल, तो मैंने इसीलिए फटाफट से आके सैंडविच रेडी किया। और उसके साथ फ्रूट्स में था ग्रेप्स और तरबूज, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी खा गई थी अपना सारी चीज़ें, भूल गई थी रिकॉर्ड करने, तो मेरा भी मुंह देखो पूरा सूख गया है, इतना गर्मी
क्या बोले आके थोड़ा सा उसके बाद रेस्ट किए और मैं चलने गई थी बाहर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला थोड़ा ज़्यादा वॉक करने के लिए कि बेबी के पास थोड़ा सा पानी ज़्यादा है बोल के वॉक करने के लिए। और उन्होंने बोला अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो बेबी को थोड़ा सा नीचे आना होगा, आफ्टर 2 वीक्स तुम आना, उसके बाद हम फिर से चेकअप करेंगे, तो 2 वीक्स बाद फिर जाएंगे, देन आप लोगों को अपडेट दे पाएंगे क्या हो रहा है फिर से। और शाकिब बोला आज तुम्हारा नेल्स कट करके ही मैं रहूँगा, क्योंकि मैं नेल्स की वजह से ना मुझे पैर में दर्द होने लगे, मतलब हो जाता है ना नोकुनी टाइप का, तो यहाँ पे वो मेरा नेल्स कट कर रहा था और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। तो उसके बाद हम लोग सोने चले गए, क्योंकि आज का दिन हम लोग बहुत थक गए थे यार। तो ऐसा ही किया मेरा दिन। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना।